बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे परवरदिगार, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला की ज़ात तमाम देखने वालों को और तमाम हमारे बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करेंगे। ये मेरे पास चावलों की जो फ़सल है उसकी पनीरी है और हम लगा रहे हैं चावल की जो फसल है वो लगा रहे हैं। पंजाबी में इसको मूंजी बोला जाता है, झोना भी बोला जाता है। तो ये मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ इसका नाम होता है। तो बाकायदा सीज़न जो है वो शुरू हो गया, तो ज़्यादा टाइम इंशाल्लाह अब खेतों में ही जाएगा। और आज भी पूरा दिन खेतों में ही थे, पहले खेत की तैयारी की और अब हम लगा रहे हैं। तो आज दोपहर का खाना भी हमने खेतों में बनाया और खेतों में ही खाया। मिलजुल के काम किया जाता है और खाना भी हम सब लोगों ने इकट्ठे खाया, तो खाना भी मज़े का था और काम भी अल्हम्दुलिल्लाह मज़े से चल रहा है। बहुत मज़ा आता है इस तरह खेत में वक्त गुजारना और अपना काम अपने हाथों से करना, बहुत खुशी मिलती है दिल को। बस अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात सेहत दे, तंदरुस्ती दे और आप सबका प्यार दे। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तो वीडियो देखिए और फिर कमेंट कीजिएगा। तो दोपहर का खाना बना रहे हैं, थोड़े से हम लेट हो गए हैं क्योंकि खेत में लगे हुए थे काम। शोरबे वाला चिकन बनाएंगे और साथ हम बनाएंगे चावल चूल्हे के ऊपर। तो ये हमारा घर का लहसुन है, ये डालेंगे साबुत, प्याज डालेंगे। लहसुन और प्याज को अच्छे तरीके से धो लिया था हमने। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज और लहसुन जो है वो सुनहरा हो गया। तो अभी कुटा हुआ अदरक हम शामिल करते हैं। अदरक को भी हम अच्छे तरीके से भूनेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अदरक जो है वो भुन गया। तो अभी हम चिकन शामिल करेंगे। चिकन को हमने अच्छे तरीके से धो के रख लिया हुआ था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन जो हमारा है वो 2 किलो है। चिकन डालने के बाद नमक डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 से 12 मिनट जो है वो भून लिया हमने चिकन को। अभी हम शामिल करनी है टमाटर बड़ी कटे हुए और साथ हम शामिल करेंगे हल्दी पाउडर, कुटी मिर्च, लाल तीसरी मिर्च, थोड़ा सा नमक हम और शामिल कर दूँगा। थोड़ी देर के लिए ढाँप देंगे ताकि टमाटर सब्ज़ मिर्च जो है वो अच्छी तरह नरम हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। तो अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें हो गई मिक्स। टमाटर और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो हल हो गई हैं, माशाल्लाह लुक बहुत अच्छी है। तो अभी हम ढक्कन हटा के और इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे।
ताकि चिकन जो है हमारा वो अच्छी तरह भुन जाना चाहिए, इसमें थोड़ी भी कसर जो है वो नहीं रहनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह चिकन जो है वो अच्छे तरीके से भुन गया। तो हम शोरबे वाला चिकन बना रहे हैं, तो अभी इसमें हम पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावलों के साथ जो है वो काफ़ी शोरबा जो है वो इस्तेमाल होता है, तो अभी इसको हम ढांप के पकाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल लिया हमने पतीले में, थोड़ा सा प्याज डाल दें। प्याज का तड़का लगाएंगे चावलों को। प्याज हमारा जो है वो हल्का ब्राउन हो गया है, बिल्कुल हल्का सा इसका हमने प्याज का तड़का लगाया है और थोड़ा सा हल्का सा इसका कलर निकलेगा चावलों का। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी देर के लिए डांपेंगे इसको। अभी हम जितने चावल बना रहे हैं उसे डबल पानी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। चिकन में हमने नमक जो है वो कम ही रखा है, थोड़ा सा चावलों में भी नमक डाल लेते हैं और अभी उबाल आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह हंडिया हमारी बिल्कुल तैयार हो गई है, तो शोरबा भी हमारा अच्छे तरीके से तैयार हो गया। तो अभी इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया। सही तरह हमने पकाया मीडियम आंच के ऊपर शोरबे को। सब्ज़ धनिया डालते हैं बारीक कटा हुआ, साबुत गरम मसाला थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबे वाले चिकन की माशाल्लाह। पानी हमारा उबल गया, अभी चावल हम शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो है ये एक घंटा पहले हमने भिगो के रखे हुए हैं और चावल जो हमारे घर के एक दफ़ा हिला देंगे और दोबारा उबाल आने देंगे। पानी खुश्क हो गया, अभी हम दम लगा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आग थोड़ी ऊपर भी रख देंगे, इससे दम बहुत अच्छा लगेगा। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम दम लगाएंगे। पा पा पा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं, दम हटाते हैं। माशाल्लाह देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। बिल्कुल हल्का सा प्याज का तड़का लगाया था हमने, तो चावल अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छे बने हैं हमारे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये रहा हमारा चिकन शोरबा। बिस्मिल्लाह, कपड़े चेंज कर लिए और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र हुआ है कि मौसम भी अचानक से चेंज हो गया और हवा चलनी शुरू हो गई, आसमान पे बादल आ गए हैं, बहुत मज़े का मौसम हो गया। तो अभी हम अपना लंच जो है वो करेंगे। कलो भाई खाना कैसा बने? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना मुकरम भाई। मोदम भाई कैसा बने खाना? माशाल्लाह ज़बरदस्त मुकरम भाई, मज़ा आ गया। वैसे तो गर्मी बहुत ज़्यादा ही, सुबह दे काम लगे थे। हाँ तो माशाल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मौसम भी चेंज हो गया। माशाल्लाह बड़ी प्यारी हवा चल रही है, माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। हाँ जी अबू जी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ा आया। लेकिन खाना तो रोज़ ही खाईदा, लेकिन खेतों से खाना अपना ही मज़ा। खेतों में माशाल्लाह भूख लगी थी, खेतों से काम करते पे, पनीरी पुटते पे, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत मज़ेदार खाना बनया। अल्हम्दुलिल्लाह खाने का बहुत मज़ा आया। तो अभी हम पेट भर के खाएंगे। वीडियो के मतलब अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत सिंपल और बहुत ही सादा हमने बनाई है सारी चीज़ें, तो ये अक्सर घरों में बनता है विलेज में, तो ट्राई भी कीजिएगा और वीडियो के मतलब अपनी राय से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए दिन के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। और अभी हम लोगों ने खाने के बाद दोबारा जो है वो चावल की फसल अभी लगानी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।